पर्यटन नगरी मनाली के गुलाबा और कोठी में बर्फबारी के बीच फंसे 300 वाहनों में फंसे सभी पर्यटकों को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक काफी संख्या में कोठी व गुलाबा के बीच पहुंचे, जहां पर पर्यटकों ने ताजा बर्फबारी का आनंद लिया। इसी दौरान ताजा बर्फबारी होने के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गईं, जिसके कारण कोठी से गुलाबा के बीच करीब 300 पर्यटक फंस गए। जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने सभी पर्यटकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है, जिसमें आसाम से मनाली घूमने आए 48 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। यह दल भी बर्फबारी देखने के लिए गुलाबा के आसपास पहुंचे, लेकिन ताजा बर्फबारी होने के बाद वाहन फंसे तो सभी स्टूडेंट्स परेशान हो गए, लेकिन प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने 4x4 वाहनों में सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर मनाली पहुंचाया। एसडीएम मनाली रमन घरसांगी ने बताया कि मनाली के आसपास के क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक कोठी और गुलाबा की तरफ बड़ी संख्या में वाहनों के साथ पहुंच गए थे, जहां पर दिन भर लगातार रुक रुक कर बर्फबारी होती रही, जिसके कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई और सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने 4x4 वाहनों के द्वारा सड़क पर वाहन चलाने के लिए रास्ता खोला। पीआरटीवी के लिए कुल्लू से ब्यूरो रिपोर्ट।